हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नैन्सी मोचित्रा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी गले में और छाती में जमे हुए बलगम की वजह से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज आप इसे अंत तक जरूर देखना। ये इतने घर की कम चीजों से के बनेगा, लेकिन ये इतना कारगर है कि आप इसे अमृत तुल्य भी कह सकते हैं। आजकल वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से सब लोग परेशान है, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले गले, नाक और छाती में जाके अटैक करता है, और धीरे धीरे से बाद में वहाँ अटैक करता है और जम जाता है। तो इसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और साथ ही साथ हमें दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, जिसकी वजह से जो बलगम हो रहा है वो आपको आपकी छाती में, आपके गले में अटकेगा नहीं, और ये बहुत ही कम चीज़ों से बन जाएगा। तो चलो, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे प्लीज दबा देना। इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले चाहिए दालचीनी। दालचीनी सभी के रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, अगर ना हो तो किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ दालचीनी लेनी है। बाजार में जो तैयार दालचीनी का पाउडर मिलता है वो हमें नहीं लेना है। तो इस दालचीनी के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और इसका हमें पाउडर घर पे ही बनाना है। बाजार वाला तैयार पाउडर हमें यूज नहीं करना है। आप पाउडर बनाने से पहले, आप चाहे तो किसी भी तवे या लोटी पे इसे थोड़ी देर के लिए भून लीजिए, ताकि जो इसमें जो नमी है वो चली जाएगी और इसको पीसने में आसानी रहेगी। तो कि मैंने दालचीनी का पाउडर बना लिया है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है, और इसमें हमें लेना है एक चम्मच शहद। शहद आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें चुटकी भर जो हम सिंधा नमक यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है। हमें यहाँ खाने वाला नमक नहीं यूज़ करना है। चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। जो ये मैंने उपाय बनाया है बहुत आसान उपाय है। जो दालचीनी है वो ज़्यादातर लोग हम रसोई घर में यूज़ करते हैं, तो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है, और शहद भी ज़्यादातर घरों में होता ही है। तो जो ये मामूली सी चीज़ें हैं, इससे आपके छाती में, आपके गले में बलगम कफ जम गया है, उसे निकालने के लिए एक रामबाण औषधि है। तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और किस एज को कितना डोज लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस टाइम पर लेना है। लेकिन आप जब भी ये औषधि तैयार करें, तो आपको दालचीनी का पाउडर है वो पीसकर पहले से ही रख लेना है, और शहद और नमक जब भी आप यूज़ करें तब आपको हैंड टू हैंड मिलाना है, उसके बाद ही आपको लेना है। आपको पहले से इसे मिलाकर नहीं रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइम लेना है इस डोज को, और कितनी एज को कितना लेना है। सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को मिलाकर इस तरह का जब पेस्ट बन जाए, तब हमें आधा चम्मच हमें बड़े लोगों को लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद सोने से पहले। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये औषधि लो तो तब आपको कुछ देर के लिए कुछ खाना पीना नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं है। आधे चम्मच से आधा, यानी कि एक चौथाई चम्मच से थोड़ा, उसको हमें छोटे बच्चे, यानी कि 5 साल के बड़े बच्चों को हमें दे सकते हैं। तो बच्चों को भी जब ये लेंगे तो तब तो उनको भी कुछ खाना पीना नहीं है, वो चाहे तो थोड़ा 2-3 चम्मच गर्म पानी पी सकते हैं। और आप चाहे तो 6 महीने से ज़्यादा बच्चे को भी इसे दे सकते हो, तो आपको उसे उंगली से इस तरह से चटा के ही देना है, उंगली से चटाना है, ज़्यादा डोज उसको नहीं देना है। तो बच्चों को आप जब दो, तो आप उसे सुबह नाश्ते के बाद और शाम को सोने के पहले, यानी कि कुछ खाना खाया हो उसके बाद आपको देना है। तो बड़े को तो ध्यान रखना है कि इस नुस्खे को लेने के बाद वो कुछ खाए पिए नहीं, तो ये नुस्खा है वो बहुत ही कारगर होगा। तो आप इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल करना,
और अपना रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में करना मत भूलना। तो आपने देखा कि घर की कितनी कम चीज़ों से ये आसान नुस्खा है वो तैयार हो जाता है और ये बहुत ही कारगर है। अगर आपके गले में बलगम जमा हुआ है, अगर आपकी छाती में खड़खड़ाहट हो रही है, तो ये नुस्खा आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सभी को आप ये दवा दे सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने जितना जो माप बताया है कि छोटे बच्चे को कितना देना है और बड़े को कितना देना है, तो इस तरह से आप दोगे तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो आप इसे जरूर आजमाएगा और अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में करना मत भूलना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।